अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका भाई सैमर अहमद अंसारी। इस वक्त मेरे घर के ऊपर हमला कर दिए, कमिश्नर पुलिस, अच्छा गुना पुलिस, पुलिस। मैं सैदा नाइदा खड़ी हूँ। इस वक्त मेरे घर पे हमला किया गया पूरा। देखा इस वक्त मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है। मैं अच्छा गुंडा पुलिस से मदद की अपील कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन पुलिस की फोन मारी, मैं मंडा बजरो डायल करी, लेकिन अभी तक पुलिस हमारे पास कोई मौजूद नहीं है। अभी अभी आगे पूरे देख सकते हैं है ना, अभी तक पुलिस नहीं है। के लिए मेरे बच्चे अभी तक नहीं है। तकरीबन 20-25 जने मिलकर रो रहे, तो खुश होता अल्लाह, खुश नहीं होता। परेशान रखो तू। बोलो तू, पुलिस को बोलो। बस देखिए, पुलिस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज फौरी मेरे घर पे आइए, फौरी हम लोग की जान बचाइए। हमारे भी जान को धोखा है, मेरे बच्चे, मेरे छोटे मासूम बच्चे, मेरे घर में मेरे बच्चे आए। देख सकते हैं आप लोग, देखिए मैं 20 बच्चों के साथ, मेरी मई 15 महीने से सुकून में हूँ। कोई सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, किसी के अच्छे में बुरे में नहीं हूँ। नमाज पढ़ लो, अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मेरी 20 बच्चों के साथ हूँ। मेरे कोई पुराने वीडियोस लेकर वायरल कर रही, मेरे पुराने वीडियोस जो मैं बड़े लोगों को, कोई एमएलए को कुछ भी बोला था, पुराने 3-4 साल पुराने वीडियोस लेकर मेरे वायरल कर रही। लेकिन आज मैं मेरे 20 बच्चों के साथ सुकून में हूँ। वो पुराने वीडियोस पे कोई यकीन मत कीजिए। हमारी सेफ्टी का सोचिए प्लीज, हमारी सेफ्टी होना, मैं कुछ मेरे बच्चों की सेफ्टी होना। ये देखो आपला, ये बंडा है, यहाँ पे बंडा है, वहाँ पे देखो आपला, पूरे बंडे बंडे फेंक के हम लोग के घर पे हमला कर दिए। ये देखिए इस तरीके से घर को तोड़ा गया पूरा, इस तरीके से मेरे घर में पूरे बंदे जने घुस गए। ये गाड़ी का आईना फोड़ दिए, पूरे गाड़ियों के आईने फोड़ दिए। करीब 50-60 जने आए, 50-60 जने। पुलिस को चाहिए कि मेरे बीवी बच्चों की सेफ्टी देखे। मैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हैदराबाद सिटी पुलिस जल्दी आओ मेरे घर पे, पाली शरीफ राजीव गांधी नगर में मेरा घर है। जल्दी आइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये लाइव रुकेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग यही ठहरे हुए, बाजू ठहरे हुए। जो लोग तकरीबन 50-60 लोग हैं जो मास्क लगा कर है और मुंह पे दस्तियां बनकर है लोग। आप लोग जल्दी आइए, हमारी मेरे बीवी बच्चों की मदद करिए। हेलो, राजीव गांधी नगर, सलीम का जो ऑफिस है ना, राजीव गांधी नगर ऑफिस है, NRT 24 न्यूज का ऑफिस है, देखिए न्यूज का ऑफिस है राजीव गांधी नगर में अंदर। मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, महमूद अली से, मैं KCR साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे घर में बहुत खतरनाक हमला हो चुका है। पूरे लोग मेरे घर को घेरे हुए हैं, पूरे नीचे वाले नीचे पूरे मेरे घर पे। बता फाज लू, बता गली गड़े रे, बता बता वाला हूँ। का है भरोस का है? हिम्मत से काम लो बेटे। अल्लाह है अपने साथ, बेफिक्र रहो, अल्लाह है। अल्लाह है, मरे तो मर जाएंगे अपन, शहीद हो जाएंगे अपन, डरो बात कर रहे हैं। हेलो आने गाड़ी पुलिस।
आ रहे पुलिस वाले आ रहे। अरफास जरा वीडियो ले, मेरी वीडियो लो। मैं आज भी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं एक पीरियड में एक पॉलिटिशियन में मैं काम करता था पॉलिटिक्स में। तीन साल हो गया मेरे 3 साल पुराने वीडियो वायरल कर रहे ग्रुपों में डाल रही। मेरे वीडियोस पुराने हैं जो ग्रुपों में चल रही, जो मैं बड़े बड़े हस्तियों को कुछ भी बोला था वो वीडियोस पुराने हैं जो मेरे नाम से वायरल कर रही, वो कोई वीडियो नया नहीं है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वीडियोस पुराने हैं। मेरी आईडी है SM रहीमुद्दीन खादरी AIMIM। आप पेज पे जाइए, पेज पे जाकर मेरी आईडी चेक करिए SM रहीमुद्दीन खादरी AIMIM की। 1 साल से उसके ऊपर कोई मेरी फोटो नहीं है, कोई मेरा वीडियो नहीं है, कोई मेरा बयान नहीं है। जो मेरे वीडियोस पुराने वीडियोस अपलोड कर रही, पुराने वीडियोस मेरे अपलोड करके ग्रुपों में डाल रही कि मैं फलाने MLA को ऐसा बोला, मैं फलाने बड़े आदमी को ऐसा बोला, वो मेरे पुराने वीडियोस है। और मैं MLA मुमताज खान का मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये काम अगर यासर अफरत का काम है ये। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पे डाउट था तो आप बुला के बात करना था, आपका फर्ज बनता था, आप बुला के बात करना था, सच्चाई मालूम करना था, उसके बाद में आप हमला करना। घर में लेडीज रहती, मासूम जवान बच्चियां रहते, अगर इनको कुछ बंडा लग जाता मेरी जान चली जाती, मेरे बच्चों की जान की, तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसका किसी को आपने बनता हमारे घर पे चाह रहा हूं। ये काम क्या AIMIM के यासिर अरफात साहब काम करे? ये हमला जो करे क्या यासिर अरफात साहब करे? क्या मुमताज खान साहब करे? मैं यासिर अरफात साहब से भी माफी चाह लिया था 15 महीने पहले, मुमताज अहमद खान से भी मैं माफी चाह लिया था, मुमताज खान साहब से तो 10 दिन पहले मिला मैं वाल्टा पे, मैं मेरी बीवी मेरी बेटी तीनों मिलकर मुमताज अहमद खान साहब से 10 दिन पहले मुलाकात करे, हाथ चूम गया मुमताज खान का। आज बोले सो मेरे पुराने वीडियोस को वायरल कर रही, मेरे जो 3 साल पुराने के वीडियोस है, जो 2 साल पुराने मेरे वीडियोस है, वो वीडियो को वायरल कर रही, करके ग्रुपों में डाल रही। तो आज मेरे बीवी बच्चों पे जो हमला हुआ, आज जो मेरे घर पे जो हमला हुआ, क्या ये हमला मुमताज अहमद खान साहब करे या उनके बेटे इम्तियाज अहमद खान साहब करे या कौन करा है ये हमला? पुलिस को चाहिए। और ये लाइव चल रहा, जब तक पुलिस नहीं आएंगी लाइव चलता रहेगा। पुलिस आ गई, आप लोग देख सकते हैं, जाओ नहीं तो नहीं जाओ तुम। पुलिस आ गई मेरे घर पे, मेरे घर के ऊपर पुलिस आ चुकी है, मेरे घर पे पुलिस आ चुकी है। जाओ बेटे ले लेके आ जाओ पुलिस को बेटे, मेरे घर पे पुलिस आ चुकी है, मेरे घर पे पुलिस आ चुकी है। आइए लेफ्ट साइड आइए, आप देख सकते हैं पुलिस आ गई है घर पे मेरे। ये देखिए पुलिस आ चुकी है, आ जाइए अंदर, आ जाइए अंदर अंदर लेफ्ट में आ जाइए। आ जाती गाड़ी। ये पहाड़ी शरीफ के पुलिस वाले आ चुके हैं। बोलो अरे सुबह लाइफ में तो बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आ चुकी है हमारे घर पे, मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ, सर्कल साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे फोन पे फौरी एक्शन लिया। लेकिन ये मालूम होना कि ये बंडाबाजी कौन करे मेरे घर पे, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मीडिया पर्सन के घर पे हमला हम बंडाबाजी करे? मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं नाइदा खादी हूँ, मेरे घर पे हमला किया गया, कौन ये हमला करा मैं तुम्हें मालूम करना है बस।
कौन किसी की इतनी हिम्मत जो हमारे घर पे आके हमला करे? एक लेडीज है घर में बैठी हुई, मेरे बच्चियां हैं, कौन जिम्मेदार? अगर यासर अरफात कोई वीडियो में हमारा नाम दिखा या कोई यासर अरफात की वीडियो था, कोई मुमताज मकान से बताओ, उनका काम था बुला के बात करना था, ना कि इस तरीके से हमला करवाना था हमारे घर पे। बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हमला कौन करे? मेरे को फौरी पुलिस से फौरी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द एक्शन ले और जल्द से जल्द इस चीज का मालूम करे सरकार साहब, कमिश्नर साहब, एसीपी साहब, डीसीपी साहब, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करी, मैं मीडिया पर्सन हूं, नाइसा खादी, मेरे बच्चे जवान घर में थे, मेरे घर पे आधी रात को हमला हुआ। आप देखिए 3:30 हो रहा है इस वक्त के, कुछ ही देर पहले मेरे घर पे हमला किया गया, और अगर मेरी बच्चों की जान को, अगर मेरी जान को कुछ धोखा रहेगा तो इसका जिम्मेदार पूरी पुलिस डिपार्टमेंट रहेगी, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। इस वक्त मेरे घर में जो कांच कांच करके पूरी गाड़ियों के आईने फोड़ दिए, मेरे सब मेरे गाड़ियों के आईने फूटे हुए, मेरे बिल्डिंग के आईने फूटे हुए, इसके जिम्मेदार पुलिस रहेंगी और पूरा मैं कानून को मैं बोलूंगी, मेरे फौरी एक्शन ले मेरे घर के इस हाल का। पुलिस आ चुकी है, जो मैडम 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 पीछे आगे पुलिस वाले पाली साहब पे आप लोग, पाली साहब की पुलिस आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जाओ मैडम जाओ। आओ नबिया, ये लाइफ क्या है साहब? बात कर रहा हूँ, मीडिया पर्सन के घर पे एनआरसी पुलिस तेलंगाना का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, मेरे घर पे हमला हुआ। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, आए थे 8 दर्जन आए, आके हमला करके 8 दर्जन 20 को पड़ी खा, पूरे मंकी मास्क पहन लेके के मंकी मास्क पहने हुए थे के तेरे कैमरा है, कैमरे यहाँ भी है, कैमरे वहाँ भी है, चेक करिए आप, देखिए पूरा बताओ, पूरा बताओ तुम्हारा फैमिली पूरा, ये मेरा बीवी, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, ये कार, ये गाड़ी का आईना भी फोड़े। अभी जस्ट आप लोग जो कॉल करेंगे बंदा बंदर क्या नंबर पे डायल करते हैं, वो टाइम बोले इधर मैं डायल करते जा रहा हूं, ये मेरे नंबर से करे, क्या टाइम पे करे थे बोले सुनिए, नहीं कई बार तो प्रॉब्लम क्या होती है सर, प्रॉब्लम मालूम होना ना, प्रॉब्लम मालूम होना ना, वही प्रॉब्लम है, मैं किसी को नहीं मालूम कि अब आपका काम है। देखिए सर, मैं एक MIM का छोटा सा लीडर हूँ, मैडम धरिए 315 पे सुनिए, मैं एक MIM का छोटा सा लीडर हूँ, जो मैं 5 साल पहले तक MIM का काम करता था इलेक्शनों में, लेकिन आज भी मैं MIM का हूँ लेकिन काम नहीं करूँ, मैं MIM का छू, तो मेरे जो वीडियोस होते ना इलेक्शन के, इसके खिलाफ उसके खिलाफ के पुराने वीडियोस, मेरे पुराने वीडियोस को 4-3 साल पुराने वीडियोस को कल से वायरल कर रही ग्रुपों में, जैसा इलेक्शन में बोलते ना इसके खिलाफ उसके खिलाफ, तो एक MLA के खिलाफ मैं कुछ बोला, अब मैं नाम नहीं बोल सकता, MLA के खिलाफ कुछ बोला 3 साल पहले का वीडियो, MLA से मिल भी लिया है, MLA के पेट में मुंडी भी डाले, MLA के नाम है मुमताज अहमद खान, MLA चांदमार के MLA मुमताज अहमद खान थे, मैं भी वही पार्टी का हूँ, उनसे हम 15 महीने पहले उनके पैर पड़ के मार पीछा लिए, अकबर ऋषि साहब मिला दिए हम लोगों को, अकबर साहब मिला दिए, अकबर ऋषि साहब पहचानते ना आप, और यासर अरफात साहब से भी माफी चाहिए, मुमताज खान के बेटे से भी माफी चाहिए, लेकिन 3 साल पुराने वीडियोस को आज रिपीट कर रहे, आज वो वही पुराना वीडियो को क्या करे, ग्रुपों में डाले, दुश्मन मेरे दुश्मन ग्रुपों में डाले, मैं ये लड़े झगड़े से मैं चंद्रान गुट्टा छोड़ के चारमार छोड़ के पहाड़ी शरीफ में आया 2 साल से, यहाँ 2 साल से मेरा PT केस नहीं है पहाड़ी शरीफ में, आप पहचानते मेरे को, मैं आके 2 साल हो गया यहाँ पे, तो उनका काम क्या है जिसका राम के वीडियो है, यासर अरफात का वीडियो है, मुमताज अहमद खान के नाम का वीडियो है, तो उनका काम क्या है बुलाना, फोन करके बुला के पूछना क्या है यहाँ क्या वीडियो डाले पूछना, वो तो कुछ भी नहीं पूछे डायरेक्ट उनके आदमियों को भेजा के हमला करा दिया हमारे घर पे, उनके जन में होना कौन आके हमला करेंगे हमारे किसी से, तीन से क्या थी लड़ी उनको, आज वीडियो वायरल होती कि हमला शुरू हो गया हमारे घर पे, अंदर पत्रे है, चलिए पूरा दीजिए, वीडियो लीजिए, आइए भी लीजिए, देखिए ये भी वीडियो लीजिए, इधर आप ले लीजिए मोबाइल में, ये लाइव चल रही है, आइए पैर है आपका, बस आप पहले चप्पल पहन लो नबिया, खिदमत शेयर करो, आइए
ये पूरा वीडियो लीजिए आप। ये पूरी बॉडी भयंकर है, अभी बंगे मार के ये देखिए पूरी बॉडी भयंकर दी। मेन मेरे गाड़ियों का नहीं है साहब, मेन मेरे बीवी बच्चों की जान चली जाती तो मेरे ये अच्छा हुआ घर में मेरे सेफ्टी है, बल्कि अगर मेरे घर में सेफ्टी नहीं रहती तो घर में घुस कर ना खत्म कर देते, मार देते थे हमारे को। कुत्ते होने से लगा अंदर नहीं घुस सके, घर में डॉग्स है, ये पहाड़ी शरीफ खतरनाक जंगल का एरिया, बल्कि हमने घर में डॉग्स को रखे, हमने को नीचे आने दिया साहब, नीचे आने दिया, यहाँ पर बंगे मार रहे हैं साहब, ये गेट ओपन एरिया है। देखिए डॉग्स का गेम लगा, ये पहाड़ी शरीफ एक जंगल का एरिया है, बल्कि जंगल में क्या है कुछ भी हो सकता है, डाकू चोर आ सकता है, बल्कि डॉग्स को रखे, जबकि हमारे इस्लाम में डॉग्स को रखना नहीं है। आइए आप ही आइए सब, ये देखिए किस तरीके की चप्पल आप पहनो, चप्पल चप्पल पहन लो, चप्पल पहन लो, ये लाइफ सारा सर पूरा हैदराबाद देख रहा है, सौगात पूरा तेलंगाना देख रहा है, ये देखिए सर हाथ पे मेरे, देखिए ये देखिए हाथ, ये हाथ पे देखिए मेरे को बंडा पड़ा सो, देखिए ये लीजिए, ये देखो कान खुश जो बंडा पड़ा ना मेरे हाथ को, मैं बाहर जा रहा था, मेरे भी बच्चा जाने नहीं दिया बाहर, मेरे को मैं बाहर जा रहा था, ये देखिए मेरे हाथ को, देखिए ये लीजिए मेरे हाथ का लीजिए, ये देखिए ये बंडा फुट गया मेरे हाथ को लगा सोई, ये पुलिस वाले इस वक्त मेरे घर में आए हैं, नाइदा खदी बोल दीजिए आप ही पढ़ दीजिए पुलिस वाले इसको। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ी शरीफ पुलिस हमारे घर पे आ चुकी है और पूरा हम लोग सर्च कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन होंगे और मेरे को पूरा उम्मीद है पूरी रचाकोंडा कमिश्नर से एसीपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि बराबर आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और बराबर इस बात का पता लगेंगे कौन हमारे घर पे हमारे हमला करा और कौन हमारी जान का दुश्मन है, इस बात का पता चलना बहुत जरूरी है और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज इस बात पर फौरन जल्द से जल्द एक्शन लें। आ रहे हैं बोले कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, अरे लाइव चला दो भाई, और इधर ये नहीं दी आई है, नहीं दी मैडम ये लाइव रुक रहा है सर, इन्वेस्टिगेशन हो गया सर, लाइव रख दूं, लाइव सर रोक देना मैडम, पुलिस घर पे आ चुकी है, हमारे इन्वेस्टिगेशन चल रहा, दुआ करिए मेरे भी बच्चों के लिए, और मैं इससे मेरे बहुत दिन खादरी, मैं डरा हूँ तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरा हूँ, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से डरता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अल्लाह अल्लाह कर लेते हुए नमाज पढ़ लेते हुए पांच टाइम की नहीं दो टाइम की नमाज पढ़ लेते हुए आज मेरे बीवी बच्चों के साथ मैं सुकून में हूँ, मेरे को सुकून से जीने दो, हाथ जोड़ के मैं माफी चाह रहा हूँ, मेरे को सुकून में जीने दो, मैं 15 महीने से सोशल मीडिया पे मेरी कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, जो भी वीडियो वायरल हो रहा वो पुरानी वीडियो है, 3 साल पुरानी 4 साल पुराने वीडियो निकाल रही, मैं डरने वाला नहीं हूं, ना मैं एमएलए से डरता हूं, ना मैं एमएलए के बेटे से डरता हूं, ना मैं कोई एमपी सीएम से डरता हूं, लेकिन जो वीडियो है वो पुराने हैं, 2 साल पुराने 3 साल पुराने वीडियो निकाल रही, मैं आज 15 महीने से मेरे बीवी बच्चों के साथ पहाड़ी शरीफ में हूं, पहाड़ी शरीफ में सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरे को जीने दो, मेरे बीवी बच्चों को जीने दो, मैं तमाम लोगों से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे बीवी के हक में दुआ करिए, और मैं ना एमएलए से डरूंगा, ना मैं किसी से डरूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल से डरूंगा, और जहां तक हो सके ये कार्रवाई को आगे लेके जाऊंगा मैं, और मैं हमारे एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबर अवैसी जो मेरे बड़े भाई है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकबर साहब आप बहन बहन बोलते ना,
नाहिदा खादी के घर पे हमला हो गया। अकबर ऐसे साहब, नाहिदा खादी को बहन बोलते ना आप, नाहिदा खादी के घर पे हमला हो गया और मुमताज अहमद खान उनके बेटे इम्तियाज के रसोई हमला है। आज पुलिस आ गई, बताओ पुलिस को, आज मेरे घर पे पुलिस है। मैं 15 महीने से सुकून में हूँ, पहाड़ी शरीफ में जीरो भी बच्चों को लेके छोड़ के, चंद्रा गुप्ता छोड़ के, सब छोड़ के 15 महीने से मैं जीरो, लेकिन मेरे को सुकून से जीने नहीं दे रही। मेरे पुराने वीडियोस लेके वायरल करे ग्रुपों में और के जिम्मेदार मुमताज अहमद खान, उनका बेटा इम्तियाज है। अब पुलिस करेगी इंक्वायरी।